तो आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के शहर में फ्रैंकलिन खेलने वाला है एज अ जायंट टाइटन बनके। जायंट टाइटन बनने के बाद फ्रैंकलिन अपनी सिटी के इस शोरूम को तोड़ने वाला है। लेकिन आखिर फ्रैंकलिन अपने शहर के इस शोरूम को क्यों तोड़ रहा है और फ्रैंकलिन जायंट टाइटन बना कैसे, आइए जानते हैं। ऑल राइट, तो यार फाइनली सुबह हो चुकी है और आज का मौसम भाई वाकई में बहुत ही ज्यादा मस्त है। और इसके साथ ही आज तो फ्रैंकलिन के लिए ये वाला दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज फ्रैंकलिन लेने वाला है अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा महंगी और बढ़िया लग्जूरियस कार। अब देखो वो लग्जरी कार कौन सी है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बिकॉज वो एक बढ़िया सा सरप्राइज है। तो फिलहाल सबसे पहले एक काम करते हैं, उस लग्जरी कार को लेने के लिए हम लोग चलते हैं शोरूम पे एंड वहां पे जाके एक बढ़िया सी कार लेते हैं। इस वाली कार को लेने के लिए मैं काफी टाइम से पैसे जुटा रहा था, लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फाइनली मेरे पास पैसे हो चुके हैं जिसकी वजह से मैं इस कार को इजीली अफोर्ड कर सकता हूं। तो इसीलिए चलो जल्दी चलते हैं शोरूम में एंड वहां से लेकर के आते हैं अपनी लग्जरी कार को। बाकी यार आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है, उसके साथ ही ये देखो भाई मौसम भी बहुत ही ज्यादा मस्त है, ऊपर से आज शहर में काफी ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। यार पहले तो मैंने सोचा था कि मैं जब इस वाली कार को लेने जाऊंगा तो अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स है वो सारे के सारे गए हुए हैं दूसरे शहर में घूमने के लिए, इसीलिए अपनी कार को लेने के लिए मैं अकेले ही जा रहा हूं, मेरे साथ और कोई भी नहीं जा रहा है। बट हां मजा आएगा उस कार को लेने के बाद, मैं उन सभी को दिखाऊंगा। तो यार पहले मैंने सोचा था कि मैं एक बढ़िया सी थार लूंगा, लेकिन यार मेरा थार लेने का मूड है नहीं, बिकॉज देखो जब मैं अपने दोस्त की थार चला रहा था ना तो भाई वो काफी ज्यादा अजीब लग रही थी मुझे, तो इसीलिए फिलहाल मैं थार नहीं लेने वाला हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मुझे थार पसंद नहीं है, थार मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं जो कार लेने जा रहा हूँ ना वो मुझे थार से भी ज्यादा पसंद है, इसीलिए अभी के टाइम पे थार को स्किप करते हैं। वेल वो छोड़ो, बातों ही बातों में मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ शोरूम पे। चलो फिर जल्दी चलते हैं शोरूम के अंदर एंड चल के यहाँ के ओनर से बात करते हैं और उसके बाद यहाँ से एक बढ़िया सी कार परचेस करके अपने घर ले आते हैं। लेकिन एक सेकंड यार, मैं जैसे इस वाले शोरूम के अंदर आया हूँ भाई यहाँ पे नीचे तो कोई कार ही नहीं है। यार मुझे लगा था कि ये पूरा का पूरा शोरूम कार से भरा होगा, लेकिन कोई ना, एक काम करता हूँ ऊपर चलता हूँ, क्या पता ऊपर की साइड बहुत सारी कार्स हों। चलो फिर जल्दी से स्टेयर्स के थ्रू ऊपर चलते हैं। ऑल राइट, तो फिलहाल मैं ऊपर भी आ चुका हूँ, बट यार यहाँ पे भी मुझे एक भी कार नहीं दिखाई दे रही। भाई ये कैसा शोरूम है यार, हमारे शहर में सिर्फ यही एक शोरूम है, मुझे लगा कि इसके अंदर बहुत सारी कार्स होंगी, लेकिन यहाँ पे तो एक कार दिखाई नहीं दे रही। और कार छोड़ो, सबसे पहले तो हमें यहाँ के ओनर को फाइंड करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो फाइनली मुझे इस शोरूम का ओनर मिल चुका, चलो फिर जल्दी से इससे बात करते हैं। हेलो सर, मुझे आपके शोरूम से एक बढ़िया सी सुपर कार लेनी थी, लेकिन यहाँ पे तो एक भी कार नहीं दिखाई दे रही है। अबे फ्रैंकलिन निकल यहाँ से, मेरे पास एक भी कार नहीं और तुझे देने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अरे ये कौन सी बात होती है भाई, मुझे क्यों नहीं दोगे, मैं पैसे दूंगा भाई पैसे। अबे फ्रैंकलिन मुझे तुझसे एक रुपया नहीं चाहिए, तो बस यहाँ से निकल जा भाई, तेरा शक्ल देख के मेरा गुस्सा आता है। अरे यार ये कौन सी बात होती, मैं तो यहाँ पे पैसे दे के लेने आया था कार, अब तुम मुझे नहीं दोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ पे एक कार नहीं मिलेगी, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई भी कार नहीं है। अरे यार ये कोई बात नहीं होती, देखो मैं लास्ट बार कह रहा हूँ कार दे दो, अभी चल यहाँ से। अरे यार पता नहीं कि ये शोरूम वाला मुझसे इतने गुस्से में बात कर रहा है, भाई मैंने उससे इतना कहा कि मुझे एक कार चाहिए, प्लीज मुझे कार दे दो, लेकिन यार वो तो कार देने के लिए रेडी नहीं है और मुझे देने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, कह रहा है तेरी शक्ल देख के गुस्सा आता है। यार ये तो कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, इस शोरूम का जो मालिक है वो हमें कार देने के लिए रेडी है ही नहीं। यार अब मैं क्या करूं, अब मैं कार कहां से लूंगा भाई, हमारे शहर के अंदर सिर्फ यही एक शोरूम था। यार ये शोरूम वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक सेकंड, ये तो शायद से कंस्ट्रक्शन एरिया है ना। यार यहाँ पे आए मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन यार ये जगह मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, बिकॉज देखो वाली जो जगह है ना दिखने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, उसके साथ ही भाई इसे बनाने में बहुत सारे पैसे लगे हैं और शायद से इस वाले कंस्ट्रक्शन एरिया को कुछ लोगों ने मिलकर बनवाया है। अब वो लोग कौन है उसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट हाँ इतना पता है कि बहुत सारे लोग मिलकर बनवाए हैं और दिखने में तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और शायद से यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स भी काम करते हैं जो कि लोगों के घर जाते हैं उनका काम करने के लिए, लेकिन फिलहाल तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो भाई यहाँ से निकलता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कोई दिखाई नहीं रहा, मैं यार क्या ही करूंगा। पर यार मुझे तो भाई उस वाले शोरूम वाले के ऊपर गुस्सा आ रहा है, बिकॉज मैं उसके पास कार लेने गया था एंड उसने मुझे मेरी कार भी नहीं दी, मतलब मुझे कार देने के लिए वो रेडी ही नहीं था, कह रहा था तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं और तेरी शक्ल देख गुस्सा आता है, भाई क्या ही बोलूं मैं। बट एक सेकंड, ये रोड पे इतने सारे लोग दौड़ क्यों रहे हैं भाई, क्या हुआ तुम लोगों को? अरे यार ये सब मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं भाई, इनको क्या हो गया? एक सेकंड रुको, एक काम करता हूँ उतर के इनसे बात करता हूँ भाई, आखिर इनको क्या हो गया, ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? अरे यार आप लोगों को क्या हो गया, आप लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? एक सेकंड, ये सारे के सारे तो मेरे पर मुक्का लात मार रहे हैं भाई, अरे क्या हुआ बताओ तो, मार क्यों रहे हो? अबे ओए फ्रैंकलिन, तूने हमारे कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर जाने की हिम्मत भी कैसे की, चल निकल यहाँ से। अरे पर मैं तो बस वो देखने गया था ना कि कैसा बना है, मैंने कुछ किया थोड़ी है वहाँ पे, और ऐसे खुला छोड़ोगे तो कोई भी जाएगा ना अंदर। अबे हमारे ज्यादा मुंह मत लगने, तो यही मारेंगे तेरे को, खूब निकल यहाँ से, चल निकल। अरे पर ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, मैंने क्या किया है यार, मैं तो बस गया था वहाँ पे अंदर देखने की वो कैसा बना है, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना था कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अरे यार इनको छोड़ो, फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, बिकॉज इन लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये मेरे से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, लेकिन यार मेरे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है भाई, मैं तो यहाँ पे जल्दी आता भी नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद भी ये लोग पता नहीं क्यों मेरे पीछे इतने पड़े हुए हैं, और ऊपर से भाई ये जो शोरूम वाला है ये मुझे कार देने के लिए रेडी नहीं है, और मैं कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर गया तो वहाँ के सभी लोग मुझसे गुस्सा हो गए। यार आखिर इस शहर के अंदर हो क्या रहा है, ये सारे के सारे लोग फ्रैंकलिन के पीछे क्यों पड़े हैं भाई, फ्रैंकलिन करता है
भाई क्या है यार, वो तो बहुत ही ज्यादा मासूम है यार। अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। कोई भी आगे पीटे चला जा रहा है, कोई मेरी बात भी नहीं सुन रहा और कोई मुझसे डरता भी नहीं है भाई, क्योंकि मैं अकेले हूं भाई, मेरी कोई फैमिली भी नहीं रहती इस शहर के अंदर। यार अब क्या करूं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो फिर अभी फिलहाल तो घर निकलते हैं, अब क्या ही करें यार। मैं गया था अपनी कार लेने के लिए भाई, कितना मन था कि आज मैं एक कार लेके आऊँगा, लेकिन मुझे कोई कार भी नहीं मिली। वेल वो छोड़ो, यहाँ पर यार ये तो मेरे घर के बगल वाला रैंप है, एक काम करता हूँ साइड से जंप लगाने का ट्राई करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं साइड से जंप लगाऊंगा तो काफ़ी ऊँची जंप लगती है। बट यार मैं ये सब क्या मजाक कर रहा हूँ भाई, फिलहाल कोई मजाक करने का टाइम नहीं है। वेल ये देखो भाई, काफ़ी मस्त जंप लगी यहाँ पे, पर कोई ना भाई, फिलहाल इसको छोड़ते हैं, अभी निकलते हैं घर की तरफ। और यार मैं सोच रहा हूँ कि इन लोगों के बारे में पुलिस कंप्लेंट कर दूँ, लेकिन यार वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा रईस ज़्यादा हैं भाई, वो तो मेरा और भी हालत ख़राब कर देंगे, इसीलिए मैं उनके ऊपर कोई कंप्लेंट भी नहीं करने वाला। ऊपर से हमारे शहर के जो पुलिस वाले हैं भाई, वो तो एक नंबर के घुसखोर हैं, उनको जो पैसा देगा भाई वो उसकी साइड लेंगे, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। फिलहाल मैं अपने घर पर आ चुका हूँ, और जो मैं लेने गया था वो तो मुझे मिला नहीं भाई। मैं कार लेने गया था लेकिन कार तो किसी ने दी नहीं, इसीलिए चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम चलते एक्सरसाइज करने, बिकॉज सुबह होते ही मैं निकल गया था कार शोरूम पे और उसके चक्कर में एक्सरसाइज भी नहीं कर पाया। बट कोई ना, फिलहाल चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं। पर यार मेरा कितना ज्यादा मन था कि आज मैं एक बढ़िया सी सुपर कार परचेस करूंगा, मैंने कितने दिन से प्लान करा था, लेकिन वो सारा का सारा प्लान खराब चला गया, बिकॉज यार वो शोरूम वाला मुझे कार देने के लिए रेडी नहीं था। बट कोई ना, अगर ये मुझे कार नहीं देगा तो मेरे पास एक और प्लान है, मैं दूसरे शहर जाऊंगा और वहां से जाके एक बढ़िया सी कार परचेस करके लाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो हमें बिना सुपर कार के रहना पड़ेगा। वैसे मेरे पास एक कार है बट वो सुपर कार नहीं है। वैसे भले मेरे पास सुपर कार नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास सुपर बाइक है, जिसे लेके मैं हर जगह घूमता रहता हूँ। वेल वो छोड़ो, फिलहाल तो मुझे सुपर कार की जरूरत थी बट वो तो मिला नहीं। अब ये काम करता हूँ, नीचे चलता हूँ भाई, अब मुझे कुछ ना कुछ प्लान तो करना पड़ेगा उन सभी को ले करके। यार मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता अगर मैं एक सुपर हीरो रहता, बिकॉज देखो वो सारे सारे मुझसे डरते तो है नहीं, और अगर मैं एक सुपर हीरो होता तो वो पक्का मुझसे डरते। बट दिक्कत ये है कि फ्रैंकलिन कभी सुपर हीरो बन नहीं सकता, लेकिन एक काम कर सकते हैं हम टाइप करते हैं आरजेएस टूल के अंदर, क्या पता आरजेएस टूल हमारी कोई ना कोई हेल्प कर दे। चलो फिर एक काम करते हैं, आरजेएस टूल के अंदर टाइप करते हैं हाउ टू बिकम अ टाइटन, और मुझे बनना एक टाइटन, देखते हैं कि टाइटन बन पाते हैं या फिर नहीं, बिकॉज जब तक मैंने आरजेएस टूल से हेल्प मांगी है वो हमेशा मेरी हेल्प करता है। और ये देखो आज भी आरजेएस टूल ने मेरी हेल्प की, और फिलहाल मुझे ये फाइंड करना है भाई, वहां पे लिखा था फाइंड दिस, यानी कि मुझे इस चीज को फाइंड करना है, लेकिन ये कहां मिलेगा? अच्छा हाँ, मुझे इसकी लोकेशन तो पता है, एक काम करता हूं जल्दी से इस वाली लोकेशन चलता हूं, बिकॉज मुझे ये वाली चीज चाहिए भाई। ये क्या है? शायद से इसकी मदद से मैं एक टाइटन बन सकता हूं, जायंट टाइटन कैसा भी पता नहीं, बट हां बन सकता हूं, क्योंकि इसके बारे में मुझे आरजेएस टूल ने बताया। चलो फिर जल्दी से उस वाली लोकेशन पे चलते हैं, और जहां तक मुझे याद है, एक सेकंड भाई, ये क्या हो गया? यहाँ पे मेरे सामने आ गई एक रेड कलर की कार, बुगाटी आई थिंक। यार इसके सामने मैं गया और इसने मुझे टक्कर दे दी, और फिलहाल मैं गिर चुका हूँ, और मेरी टक्कर की वजह से वो तो काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया। बट कोई ना, फिलहाल अपनी बाइक को उठाते और निकलते हैं यहाँ से, बिकॉज अभी लड़ाई झगड़े करने का कोई टाइम नहीं है। ओके निकलो भाई, और वैसे भी लड़ाई झगड़े में हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ओके चलो भाई, एक काम करते हैं, अभी आपको यह जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, हमें इसी वाली बिल्डिंग के ऊपर जाना है, और यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, तो लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, आई थिंक लिफ्ट तो काम करती होगी यहाँ की। ऑल राइट यार, तो फाइनली मैं लिफ्ट के थ्रू ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पे ऊपर आते ही मुझे मेरी फेवरेट ZSNR बाइक मिल चुकी है, यानी कि इस शहर के अंदर दो दो लोगों के पास ZSNR है। वैसे इसे कोई यूज़ करता नहीं है, बिकॉज ये इस वाली बिल्डिंग के ऊपर है और यहाँ पे कोई आता है नहीं, बिकॉज अगर ये वाली ZSNR किसी को चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे एक रैम कंप्लीट करना पड़ता है, बहुत हार्ड है वो। पर कोई ना, फिलहाल मैं इसे कंप्लीट करने वाला हूँ, लेकिन एक सेकंड, ये कंटेनर मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है भाई, निकल जाए यहाँ से। अरे यार ये कैसा रास्ता है यार, यहाँ पे कितने सारे पंखे लगाए गए हैं। चलो कोई ना, इनसे बचते हुए हम निकलेंगे यहाँ से आगे। ऑल राइट, तो फिलहाल मैंने यहाँ के सारे सारे पंखों को तो क्रॉस कर दिया, बट यहाँ पे कितना सारा कंटेनर है भाई, और मैं कैसे जाऊँ यहाँ से आगे। पर चलो कोई ना, फाइनली मैंने उन्हें तो क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे आगे आते ही मुझे एक चेक पॉइंट मिल चुका, और फिलहाल मैंने उस वाले चेक पॉइंट को ले लिया है, और ये वाला कंटेनर यहाँ पे सीधा होने वाला था, बट मैं वहाँ से आगे निकल गया, और मैं यहाँ पे गिरते गिरते बच गया भाई। मुझे लगा मैं गिर जाऊँगा बट मैं गिरा नहीं। चलो कोई ना, फिलहाल यहाँ पे एक और पंखा, इसे भी क्रॉस करते हैं, और फिलहाल हमें यहाँ से राइट मुड़ना है। ओके आराम आराम चलेंगे भाई, जल्दीबाजी नहीं करनी है, मैं बहुत ही आराम से इसे पूरे क्रॉस करेंगे। ऑल राइट चलो यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पे एक गड्ढा है तो यहाँ पे आराम से जंप करना है। ओके चलो इसे भी जंप कर दिया, और यहाँ पे दो पहिए टाइप के पता नहीं क्या है, चलो मैंने इसे भी क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे कंटेनर्स है भाई, ये परेशान करते हैं, इनसे बचना पड़ेगा आराम से। ओके अभी मैंने तीसरे वाले कंटेनर को तो क्रॉस करा नहीं है। ओके वेट करते हैं, जैसे वो सीधा होगा उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे। लेकिन एक सेकेंड, ये तो मेरी बाइक को नीचे ना फेंक दे भाई। अरे यार मैं कहाँ जाऊँ? अरे भाई ये क्या हो रहा है? एक काम करता हूँ, आगे जाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन शर्ट यार मैं यहाँ से नीचे गिर गया। मुझे लग ही रहा था कि मैं पक्का यहाँ से नीचे गिर जाऊँगा, बट कोई ना, फिलहाल मैं दोबारा से इस वाली बिल्डिंग के ऊपर आ चुका हूँ। चलो फिर से ट्राई करते हैं। और राइट जल्दी से बाइक उठाता हूँ भाई, इस बार तो मैं बहुत ही स्पीड में जाने वाला हूँ, बिकॉज पिछली बार तो मैं यहाँ पे बहुत स्लो हो गया था, बट इस बार हम बहुत ही तेज़ी से इसे कवर कर देंगे। देखो भाई मैं कितना तेज़ी से इतना आगे आ गया। और राइट अरे यार ये परेशान, एक सेकेंड
ये तेज आते आते यहाँ पे धीरे कैसे हो गया मैं? अरे यार ये टर्बो फैन है ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कोई ना चलो इनसे बच चुका हूँ मैं। और ये कंटेनर आ गया बीच में, अब कोई ना ये सीधा हो रहा है। चलो भाई लेफ्ट से निकलते हैं। चलो फाइनली मैं निकल चुका हूँ और यहाँ से दोबारा से हमें वाला चेक पॉइंट लेना पड़ेगा बिकॉज पिछली बार लिया था हमने। अभी भाई बाइक को भगाता हूँ। चलो यार कंटेनर के सीधा होने से पहले ही मैंने वहाँ से जंप कर दी इसलिए मैं फिलहाल ऊपर आ चुका हूँ। चलो यार ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऑलराइट यहाँ पे फिर से गड्ढा है, इसको भी आराम से क्रॉस करते हैं। चलो भाई वो सब तो क्रॉस हो गया। अभी देखो पिछली बार मैं यहीं पे गिरा था बट इस बार हमें यहाँ पे नहीं गिरना है बिकॉज पिछली बार जल्दीबाजी के चक्कर में मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था। बट कोई ना इस बार कोई मिस्टेक नहीं करने वाला मैं। ओके चलो यार ये सीधा होते ही भाई क्या ही मस्त जंप की मैंने। लगा था कि नीचे गिर जाऊँगा बट गिरा नहीं, क्या ही मस्त जंप थी। चलो कोई ना फिलहाल उसे तो हमने क्रॉस कर दिया, अभी फिलहाल आगे चलते हैं। ऑल राइट यहाँ पे सामने कितने सारे टर्बो फैन हैं भाई, ये कुछ ज़्यादा ही हैं। पीछे तो कम थे बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। पर कोई ना मैंने इन सभी को क्रॉस कर दिया। अभी यहाँ पे एक और है फैन, चलो इसे भी क्रॉस करते हैं। ऑल राइट चलो भाई इसे भी मैंने क्रॉस कर दिया। अभी सामने मुझे एक और चेक पॉइंट मिलने वाला है जहाँ तक मुझे याद है। एक काम करता हूँ देखता हूँ चेक पॉइंट है या नहीं। अरे भाई यहाँ तो मैं गिर गया होता बट कोई ना मैं बच गया। और यहाँ पे आते ही मुझे एक और चेक पॉइंट मिल चुका। टोटल मैंने यहाँ पे दो चेक पॉइंट ले लिया बट पहला वाला तो बेकार चला गया बिकॉज हमें थोड़ा सा और आगे एक और चेक पॉइंट मिल चुका है। चलो भाई फिलहाल मैंने इस वाले कंटेनर को भी क्रॉस कर दिया है। अभी सामने यहाँ पे छोटी छोटी वॉल्स मिलने वाली हमें। और ये देखो भाई यहाँ पे कितनी सारी वॉल्स हैं पर हमें इनके बीच से आराम आराम से निकलना है। और इसके जस्ट आगे यहाँ पे एक कंटेनर रोटेट होता मिलेगा। देखो मिल गया ये वाला जो कंटेनर है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है बट कोई ना मैंने इसे भी क्रॉस कर दिया। भाई मेरे लिए क्या ही रिस्की है ये। चलो फाइनली मैं उसके भी आगे आ चुका हूँ और फिलहाल यार मुझे लगता है कि मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं रह गया। चलो और आगे चलते हैं। ऑल राइट यहाँ पे डस्टबिन लगाई गई है तो इसके भी बीच से निकलना पड़ेगा। जैसे हमने वॉल्स को क्रॉस किया उसी तरीके से हमें यहाँ डस्टबिन को भी क्रॉस करना है। ओके यहाँ से एक जंप करनी है मस्सी। अरे यार शेट मैं इतना अच्छे तरीके से आगे जा रहा था लेकिन वहाँ पे फिर से मैंने एक मिस्टेक कर दी और मैं वहाँ से नीचे गिर गया। यार बहुत बुरा लग रहा है यार, मैं कितनी मस्त तरीके से क्रॉस कर रहा था भाई, बस एक बार गिरा था मैं। और अभी फ़िलहाल कोई ना फिर से ट्राई कर लेंगे। चलो यार अभी फिलहाल ये वाला कंटेनर सीधा हो रहा है, उससे पहले मैं यहाँ से आगे निकल जाता हूँ। ऑल राइट चलो फाइनली इस तरफ हो चुका और मैं यहाँ से आगे निकल गया। अभी यहाँ पे हमें एक पतला सा रास्ता दिख रहा है तो इस पर बड़े आराम से जाना पड़ेगा। और वो वॉल हमें फिर से मिल चुकी है, अभी हमें फिर से इसे क्रॉस करना पड़ेगा। चलो आराम आराम से करेंगे जैसे पिछली बार किया था। चलो ये कंटेनर से बचना और इसके आगे मुझे ध्यान देना है बिकॉज आगे वो जो डस्टबिन वाला पार्ट रहता है ना, मैं वहीं पर गिरा था बट इस बार मुझे नहीं गिरना है। ओके चलो भाई ये टर्बो फैन सीधा हो जाए जल्दी से। चलो भाई यहाँ से भी आगे निकल गए, अभी एक और पतला रास्ता आ गया और उसके बाद यहाँ पे हमें मिलने वाला है वो डस्टबिन वाला एरिया। चलो भाई ये फिर से मिल चुका है, इस बार मैं ध्यान से जाऊँगा। ओके लेफ्ट में मुझे वो गड्ढा मिलेगा उसमें आराम से मैं जाऊँगा। चलो ये फैन जैसे सीधा होगा उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। ऑलराइट तो फाइनली मैंने वो डस्टबिन वाला एरिया क्रॉस कर दिया। भाई पिछली बार मैं भी गिर गया था बट इस बार मैं वहाँ पे नहीं गिरा, मैं इजीली उसे क्रॉस कर दिया। और फिलहाल मेरे सामने एक और कंटेनर है जो कि रोटेट कर रहा है, कोई ना उसे सीधा होने देते हैं, उसके बाद यहाँ से भी आगे निकल जाएंगे। ऑलराइट ये तो सीधा हो गया लेकिन अटक कैसे गया भाई, जल्दी करना भाई ये कितना टाइम लगाते हैं यार ये। चलो इसे भी क्रॉस कर दिया और यहाँ पे एक और चेक पॉइंट। चलो भाई फाइनली एक सेकेंड चेक पॉइंट तो मिल गया बट मेरी बाइक कैसे अटक गई यार। एक काम करता हूँ उतर के, बट एक सेकंड फिर से बैठते हैं उसके ऊपर। भाई ये क्या हो रहा है, मुझे निकलना है यहाँ से जल्दी से। पीछे करता हूँ हाँ शायद अब निकल जाएगी। चलो यार निकल गई, अभी यहाँ से आगे निकलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई, एक काम करता हूँ उसके ऊपर से चलते हैं। चलो भाई ऊपर के थ्रू मैं आसानी से ऊपर आ चुका हूँ, अभी फ़िलहाल इन कंटेनर्स को आराम से क्रॉस करते हैं। भाई ये पिछले वाले की तरह ही हैं, इनसे बचना ज़रूरी है। चलो यार फाइनली मैंने इन्हें तो क्रॉस कर दिया, अभी बचे हैं बस कुछ कंटेनर्स और कुछ टर्बो फैंस और इन्हें भी क्रॉस करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा इसकी एंडिंग में। ऑलराइट अभी सामने यहाँ पे एक कंटेनर और बचा है, एक टर्बो फैन सॉरी, और दो कंटेनर बचे हैं। चलो इन्हें भी क्रॉस कर देते हैं, बस ये लास्ट वाला लाल है। चलो भाई मैंने इसे भी क्रॉस कर दिया, अभी मुझे बस जाना है मस्त आगे की तरफ। बट यहाँ पे हमें कुछ पेड़ पौधे मिल चुके हैं तो हमें इन्हें भी बहुत ही आराम से क्रॉस करना पड़ेगा बिकॉज इन पेड़ पौधों चक्कर में कई बार हम यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। बट कोई ना मैं यहाँ से नीचे नहीं गिरने वाला हूँ। चलो भाई आराम से यहाँ पर लैंड करेंगे। ऑल राइट तो अभी यहाँ पे मस्त लैंड करते हैं। तो यार फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ इसके एंडिंग पे एंड यहाँ पे आते ही हमें क्या मिलने वाला है देखते हैं। ऑल राइट यार तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया फाइनली मुझे यहाँ पे वो ग्रीन कलर का कुछ मिल चुका है, अभी क्या है मुझे नहीं पता बट आई थिंक मुझे इसको पीना है। चलो फिर जल्दी से इसको पीते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। चलो भाई जल्दी से पी लेते हैं। और ये क्या भाई, मैंने जैसे इसको पिया यहाँ पे मैं बन चुका हूँ एक जायंट टाइटन। और फिलहाल मैं एक काम करूँ, सबसे पहले तो मैं शहर का चक्कर लगाता हूँ भाई। अरे यार मैं कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ और ये टाइटन दिखने में कितना ज़्यादा खतरनाक
लग रहा भाई, इसके एप्स वगैरह देखो। और फिलहाल मैं आ चुका शोरूम पे। सबसे पहले मैं इस वाले शोरूम को तोड़ूंगा भाई, इसने मुझे बहुत परेशान किया है भाई। मैं यहाँ पे अपनी ड्रीम कार को लेने के लिए आया था, लेकिन इन्होंने दिया था एक काम करते जंप लगाते हो। और भाई यहाँ से देखो वो वाला शोरूम गायब हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, एक और जंप लगाते हैं। और ये देखो भाई, यहाँ का कंस्ट्रक्शन एरिया भी गायब हो चुका है।